गाइज, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी, आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। अक्सर आपने ट्रैफिक पुलिस को दूसरों का चालान काटते देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब सरकार आपको भी दूसरों का चालान काटने का मौका देने वाली है? जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी एक नया नियम लाने वाली है, जिसमें अगर आप किसी भी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में या फिर सड़क पर गलत तरीके से खड़ा दिखते हैं और उसका फोटो लेकर ट्रैफिक पुलिस को भेजते हैं तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे, और जिसकी वो गाड़ी है उससे 1000 रुपए का चालान लिया जाएगा। मतलब कि 500 रुपए गवर्नमेंट की जेब में और 500 रुपए आपके, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद की। है ना ये मजेदार? बहरहाल, ये नियम कब तक लागू होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन नितिन गडकरी जी का कहना है कि रोड मिनिस्ट्री इसे जल्दी लागू करे।